जाऊंगा क्या है, हम जानते हैं काम सब तो कहते हैं, लेकिन और कुछ कहना नहीं चाहिए। मेरे न रहने पर कोई नई बात हुई है, कोई बात नहीं है। फिर मैं इंदुआ के पास गई थी और इंदुआ हर जाई दूर लाई थी। हुआ क्या? दूध थोड़ा गर्म था, मैं गई उसके दूध में जहर मिला दी और जैसे ही हर जाई दूध पिएगी या तो मर जाएगी या तो इधर उधर पागल होकर। शादी करेंगे सब कुछ करेंगे, यहाँ से मच जाओ। हाँ मन का काम किया, जिसको खेलेगा कौन वही खेलेगी ना, वही खेले। लेकिन ये जाना एक बहुत अच्छी खुशखबरी बताना चाहूँ। अरे इतनी अच्छी कौन खुशखबरी है? उससे अच्छी खुशखबरी ये है कि रानी ने एक बच्चे का जन्म बेटे का जन्म दिया, बहुत खोलहार लड़का है, हमारा नाती है क्या? मेरी देवरानी की बेटा पैदा हुआ है। बिल्कुल सही। अरे मेरे राजा, बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्यों ना चला जाए और उस बच्चे को जी भर के खिलाया जाए। नहीं कहा है तुमने, लेकिन क्या एक बात के लिए तुम्हें ध्यान दे रहा हूँ, और ख्याल रखना ये होगा कि एक दिन की बात है, मैं वहाँ पर गया था, वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो गई है जिसकी वजह से लोग हम पर हमेशा नजर रखते हैं। बस दोबारा राम खिलाड़ी यहाँ पर आएगा, इस बात को रमेश से और राहुल से बताए, चलना है तो सावधानी से चलना है, चलाके चलना है। अगर मौका मिल जाएगा तो बच्चों को ले आएंगे, तुम भी खिला लेना, हम भी खिला लेंगे वापस। चलो तेरी बात दे रहे हैं बच्ची, चलो जाने कहा के लिए मैंने तो दूध पिला दिया, खासियत में बाहर सोने से हो राजी में ताला लगा हुआ है, तेरा ताला है मालिक।
कश्मीरी में बोलो। एक हरियाली मेरे राजा वो आराम से चैन की नींद सो रही है। इस मौके को हंसी मत जाने देना। तो चारों तरफ देखी रहो, अगर कोई आता है तो मुझे चुपके से इशारा कर देना, हम तो दोनों यहाँ से भाग लेंगे। बच्चे नहीं आते हैं तो बिखिरा दो, हम बिखिरा दें वहां करके। खूबसूरत लड़का है ये हमारा नाती। इतना खूबसूरत है जैसे बिल्कुल राहुल आपको पड़ा है। बिल्कुल पड़ता है, ऐसा करो लो खिला लो और खिलाने के बाद हमें भी लोग खिला नहीं सकते। हर जाई के बच्चा पैदा था, यह हर जाई बनाए, लेकिन हमरे रहते हुए ए हर जाइय कैसे लाल कसु को भोगता। बच्चे को खिला दीजिए, लाओ हमें भी तो खिला के चलते। देखो मेरे राजा, मैं बच्चे को तो दे दूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना क्या चाहती हो? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हो। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? हाँ, हद से ज्यादा। अपने कहता हूँ और कुछ तुम, मैं जो कहूँगी वो आप करोगे? हमेशा करता आया हूँ और आज भी करने के लिए तैयार हूँ। बोलो करोगे कि नहीं करो? अरे करूंगा करूंगा करूंगा। तो सुनो, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस बच्चे को जान से मार डालो। क्यों, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? मैं समझ गई, आपको मुझसे ज्यादा ममता नहीं है, ज्यादा इस बच्चे से ममता है। ये तो गलत है, आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुमसे प्यार तो करता जरूर हो, लेकिन मुझसे ज्यादा प्यार इस बच्चे से है। ये तुम्हारा एक लौटा नाती ज्यादा ममता है, बच्चे को मुझसे क्यों मरवाना चाहती हो? मैं सुनो, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है? मैं फालतू बात नहीं सुनना चाहती। ये बच्चा पकड़ो और मैं आपका साथ सदा सदा के लिए छोड़कर जा रही हूं। मेरी बात को सुनो, सैनिक मतलब अगर इन बच्चों को हम नहीं मारते हैं, जान से नहीं मारते हैं, जिसको मेरा साथ छोड़कर हमेशा हमेशा ले चली जाओ। लेकिन इसमें मेरा बिगाड़ा क्या है? ये चाहे कुछ बिगाड़ा हो या ना बिगाड़ा, मैं जो कह रही हूँ वो तुम सुनो और वही करो। ज्यादा दिन ज्यादा याद आ गई उस दिन की बात, जिस दिन रजिया ने हमारा पेट पर लात मारा था, उस दिन की बात मुझे याद आ गई। और मैंने कहा था कि तुमने हमारा पीठ पर लात मारा है, भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि मौका मिलने पर वक्त आने पर हम मेरे पीठ पर लात मारा। और कहा गया है सांप का बच्चा सदैव सांप ही होगा, लेकिन उस सांप के ढंग को कुचलना अच्छी तरह से जानते हैं।
भी नहीं सचिन लाई तेरे आंखों में आंसू आखिर बात क्या है बच्चे को वो किराई भूख नहीं दिया इतने घबराने की क्या बात है कहीं देखो बुखार तो नहीं है बच्चे को बुखार की दवा तो लाई कोई बात नहीं घबराओ नहीं एक काम करो बच्चे को हमें दो मैं इसे देखता हूँ किसे क्या हुआ है मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूँ एक अच्छी बातें कर रही हो रानी अरे क्या ये बच्चा हमारा नहीं है तो लेकिन मैं इसे किसी को नहीं दूंगी अरे मैं इसका बाप हूँ मैं किसी और डॉक्टर को दिखा कर अच्छा करवा लूंगा मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ रानी ऐसे दिल टूटने वाली बात क्यों कर रही हो नहीं ये रोचा हम आपने तो लगा बताओ मेरा ही बच्चा मुझे देने से इनकार करती है रानी अरे बुखार है ठीक हो जाएगा इधर आओ इधर कर लो और बुखार तो नहीं है यार इसका सर एकदम ठंडा है इतना डर पहले दवा खिलाई थी इसका तो पांव ही ठंड है बेटा राजू सुनना इसकी सांस तो नहीं चली है बच्चा तो मर चुका है मैं कहता हूँ ये बच्चा कैसे मर गया सबसे पहले तेरी दिमाग का इलाज करना पड़ेगा पागल हो रही है तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा बच्चा देने से औरत इनकार क्यों कर रही है इसका मतलब तूने मेरे बच्चे को मार डाला
का नोट मिला तो लड़ी और भाई सो गई और उसके बाद जब उठी तो मुंडा मुझसे दूर जाती हमसे बेटा आज सौरभ से बाहर डाला चल ठीक है
इसमें सिर्फ मैं देता हूं, लेकिन हमारी कुछ बातें उसे संभाल दे रखी आज के बाद लौट कर दोबारा इस दरवाजे पर कभी नहीं आएगी। ठेकेदार महोदय घर मालिक सीन को देख कर दिया 11 रुपए दे में शुक्रिया भैया। हमारे वही खेमराज भैया और हमारे मंजू को पापा भैया जी उनकी तरफ से 11 रुपए पुरस्कार आए भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.
अच्छा बचा है मेरे पास उसको कहीं जिंदगी और मौत के बीच चल रही है मेरा तो पूरा सपना है इस रूप से मैं क्या करूँ कहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा है चलता हूँ मालिक जरा रिश्ता है
मेरी दीदी, आप सबसे अस्पताल से वापस आई है, न तो आप किसी से कुछ बोलती है, हमेशा उदास रहती है, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। दीदी क्या बात है, क्या भी आपको कोई तकलीफ है क्या? आपको कोई तकलीफ हो तो अपने छोटे भाई रमेश से बताओ, मैं जाकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास से आपके लिए दवा ले रहा हूँ। दीदी मुन्ना रमेश न जाने क्यों भैया, उसके बाद मुन्ना जब घर आई मुन्ना सारा दिन खाना नहीं खाए, मुन्ना आज सारा दिन बीत गया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है मुन्ना। Yeah.
होती हो गई क्या बात है मैं ये कोई आदमी पूछ ली। तो क्यों रो रही है बोल क्या बात है मेरी बच्ची क्या बताऊं भाभी क्या बताऊं भाभी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है भाभी भूख और प्यास से मेरी जान निकलती जा रही है भाभी। ये तू क्या कह रही है रितु ये तुझको बहुत जोर से भूख लगी है। देख रही तू मैं आ गई हूँ अब तू किसी बात की चिंता मत कर तेरी भाभी आ गई है ना अब भूख प्यास तेरी सब मिट जाएगी। मेरा मेरी बात
के शरीर के रख लो हमारे छाती में मूंग चलो हम मैं समझ गई भाभी भाभी मिला हुआ
माता जी, ये सारी बात जाकर के मैं अपने भैया राहुल और अपने छोटे भाई रमेश जी अपने भाइयों से बताने के लिए जा रही हूँ। अपने भाइयों से जरूर बताऊंगी, वो बात है जो मैं नहीं बताऊंगी भैया। आप बताने का कुछ चांस ही नहीं देंगे, कोई चांस नहीं देंगे। इसी वक्त मैं कहना चाहूंगी, एक बार क्या कर रहा हूँ, yeah।
ग्यारह रुपया फंसा दे रहा हूँ, ग्यारह रुपया भैया साथ ही रहता, भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे झगड़े में जब आया तो देखा कि बहन झगड़े में रस्सी लगी हुई थी, मैं तो उसकी जान बचाने की कोशिश किया कि इसे पैसा दे करके मुझे गंगाम जाकर शायद मजदूरी करने चला जाऊंगा। भैया देख भाई, कोई भी भाई अपने बहन को नहीं मार सकता है, अरे मैं अपनी गुड़िया को क्यों मारूं, मेरे मैंने बहन को नहीं मारा है भैया, नहीं मारा है। मुझे भाई कहा तो तुमने भाई होने का अधिकार खो दिया है। मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरीके से समझ गया कि तुमने दीदी हिंदू को क्यों मारा, तो इसलिए कि तुम दिल भर मेहनत मजदूरी करते थे, फिर भी काजे से चार प्राणियों के लिए शाम को दो रुपए की रोटी नसीब नहीं होती थी। ऊपर से हम भाई बहन की पढ़ाई तुम्हारे सर का बोझा बन गई थी ना, इसीलिए मैं हमको मार डाला। तो तुमने सोचा होगा कि ये भी तो सयानी हो गई है, एक न एक दिन इसकी शादी करना पड़ेगा और इसकी शादी में काफी दौलत लगेगी। इसे मौत के घाट उतार दिया और मारने के बाद इसकी लाश को गायब करना चाहते थे। अरे कैसे भाई है आप, अच्छी तो हमारे बड़े भैया हमारी भाभी जी जो हमें मारती जरूर थी, लेकिन जब से जब दो वक्त की रोटी तो हमें देती थी। अरे भैया केवल एक बार मुझसे कहा होता कि रमेश कुमार तुम भाई बहन मेरे सर का बोझा बन जाओ, मैं तुम भाई बहन को पढ़ा सकता हूँ, नक गिरा सकता हूँ, मैं अपनी बहन के को साथ लेकर इस दुनिया में कहीं भी जाते भीख मांगते भाई बहन गुजारे कर लेते, लेकिन तुमसे कहने के लिए कभी नहीं आते। लेकिन एक बात मेरी कान खोल करके सुन लीजिए, यही तो मेरी बहन है और मैं अपनी बहन लाश को ले जा रहा हूँ संस्कार घाट, मैं इसका अंतिम संस्कार करूँगा और भूल कर भी मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो, कि तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ ऊंचा है। इसलिए तेरी बहन को इलाज को हाथ मत लगाना, वरना बहुत बड़ा अलग। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मुझे दुकानदार के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहन सयानी हो गई थी, कर्जा नहीं पूरा कर पा रहा था, खाना नहीं दे पा रहा था, शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, सोचे तुम्हारे इसे मार डाला। हमारा छोटा भाई बता रहा है, मैं कहा करता था कि हमारा मुन्ना बहुत संस्कारी है, पढ़ा लिखा समझदार है, विद्वत है, अच्छा बता रहा है हमें, इसे कहते हैं पढ़ा लिखा। मैं तेरी बात को बुरा नहीं मानता, मुझे ये हमारी किस्मत हमारे नसीब में यही लिखा है कि मैं तुझे कभी बर्थडे खाना नहीं खिलाया रे, आज मेरी बहन मर गई। अरे कौन बताएगा कि क्या सच्चाई है, अरे नहीं तू बताओ मैं। ये तेरी भी बहन है और हमारी भी बहन है, अगर मैं इसे शमशान घाट ले जाऊंगा तो तुम उस पर हाथ उठाएगा, आज तुम्हार था ये दुनिया भर देखेंगे कि छोटा भाई इतने बड़े भाई को कैसे मार रहा है। लेकिन मैं बहन की बात जरूर लेकर जाऊंगा, तुम मुझे रोक भैया। हमारे जिया राम यादव भैया जो कि आप रामोपुर के निवासी है, ग्यारह रुपया हमारे दोनों बड़े उस्ताद के लिए फंसा दे रहे भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ऐसा काम मत करना भैया, मुझसे ही अनर्थ हो जाए। आप तुम्हारे पास नहीं कुछ, अरे हमारे यहाँ
पत्नी को मार कर कैसे लगा दिया कि तूने मेरे बेटे को मार डाला और आज मेरी बहन को न जाने किसने मार दिया। मेरा भाई मुझे उसका कातिल समझ रहा है। मेरी बहन ने बच्ची को नहीं मारा, ये तो हमसे बहुत बड़ी झूठ हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने पत्नी को मार कर घर से भगा दिया। मैं तेरी तलाश करूंगा, तुझे कभी नहीं जानूंगा। मरने से पहले मैं तुझसे माफी मांगूंगा, एक बार तुझसे मिलना चाहता हूँ। हमसे Yeah!
घर मालिक श्री दिलीप भैया ठेकेदार महोदय अपने आप ग्यारह से नव किए हैं और कितने से लाख लाख हमारे डॉक्टर राम भैया उनकी तरफ से 11 रुपया सफर के लिए दे रहे भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सबके लड़का बच्चा के खुश रखे नेता व्यापारी महोदय कफन में आप 11 रुपये मदद दिए हैं भैया हमारे घर मालिक भैया हमारे घर मालिक भैया दिलीप कुमार ठेकेदार भैया उनकी तरफ से 11 रुपये कफन मदद दिए हो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हमें सब कुछ
मदद Thank you.
की जगह मुझे उसकी अर्थी को मालिक मैं शमशान घाट तक पहुंचाया हूं, लेकिन दूर दूर तक मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ सन्नाटा, वीराना के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इससे जाकर मैं अपनी फरियाद सुनाऊं, इसके सामने अपना दुखड़ा रो। दूर एक देवी जी बैठी हुई है, चल रहा हूँ उनके सामने अपना दुखड़ा रोऊंगा। अगर वो दयावान होंगे तो इस गरीब भाई की जरूर मदद करेंगे। ये लो प्रभु।
जितना जानना चाहती है भाभी, तो अपने सीने पर पत्थर रख लीजिए। मैं किसी घर की लाश लेकर नहीं आया हूँ भाभी। किस भी लाश लेकर आए हो? अगर जिस बेटी को आपने जन्म तो नहीं दिया, अपने तन का दूध तो नहीं पिला। मैं किसी घर की लाश लेकर नहीं आया, yeah।
मैं अपने बेटे को पैदल सफर के साथ आप क्या कह रही है भाई भी जरा सोचिए। मैं मानता हूँ कि अगर इस कब ने दीदी रितु की लाश लपेट कर इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा तो जरा सोचो भाभी बेटे का कफन सफर कैसे होगा। आज मेरे वो कर्म करोगी जो कोई नहीं किया होगा। कफन एक लाश में दो है तो हम एक कफन में दोनों लाश रखाएंगे। आप अभी आप सच कह रही है कि आज तक दुनिया में तो कभी किसी ने कोई नहीं किया वो काम हम आज देवर भाभी करेंगे। एक कफन में दो लाश लपेट कर उनका अंतिम संस्कार जरूर करेंगे। ये वही हमारे वही रामचंद्र गौतम भैया उनकी तरफ से 11 रुपया भैया खाते हैं 11 रुपया हमारी भाभी जी खा दिया जाए।
क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? भाभी आप जानती है कि इंसान जो रोटी मांगने के लिए हमारे पास आया है, ये इंसान कौन है? कौन है? मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो बताओ। जानना चाहती है भाभी? अरे यही कमियां इंसान तो हमारी बर्बादी का कारण है। इस इंसान ने मेरी बहन रीतु को बेरहमी से मार डाला, और आप जानना चाहती है कि ये कौन है? तो सुनो भाभी, ये कोई ख्याल नहीं बल्कि मेरा कसाई भाई और आपके पति राहुल है। मैं सब कह रहा हूँ भाभी। नहीं मुन्ना, मुझे विश्वास नहीं होता कि विष्णु को इन्होंने मारा होगा। मुन्ना बचपन से मेहनत मजदूरी करके तुम्हें और इंदू को पढ़ा है, लिखाए और मेहनत के बल पर हमें पिला रहे हैं। वो इंसान इतना गलत काम कर ही नहीं सकता। वाह भाभी वाह, आप तो साक्षात ममता की एक मूर्त है। साथियों, इन्हें कहा जाता है हिंदुस्तान की पतिव्रता नारी। अपने पति के हाथों इतनी प्रताड़ना सहने के बावजूद अपने बच्चे की सरी गली लाश लेकर दरबदर की ठोकरें खा रही है, फिर भी अपने पति के लिए इनके दिल में इतनी बड़ी हमदर्दी, इतना बड़ा प्यार। धन्य है भाभी आप, धन्य है। Thank you.
संतान सरकारी सेवा कर कोई दुनिया में दौलत नहीं होती है। तुमने कोई गलत काम नहीं किया, बस एक काम कर, इस कफन को बच्चों की दस पर डाल दे। कसम सारे कौन तमीन से उठा करती जिंदा नहीं बचेगा राम।
भी नहीं कच्चा सारा चाचा हमारा है। अरे हम तो इंसान खेती रहते रहे भैया रमेश कुमार, इन बच्चों की राशि भाव चलो मां गंगे की गोद में डाल देते हैं। अगर तेरी रानी बता रही है, अगर ये बात सच है तो हम राम की रानी को चिंता नहीं छोड़ी मार दूंगा सारी को। तेरी पूरी बात केवल हम ही जानते हैं। लखनऊ में जाकर के बड़े भैया राजू को गोली मारा है। मैं भैया मिल जाएंगे, राहुल भैया मिल जाएंगे, सारी बातें मैं बता दूंगा। बड़े भैया राजू गोली मारने वाला तुम्हारा चाचा राम जी। क्या बोला मैं? कहाँ जा रहा है? बताने के लिए रमेशवा रहलवा के पास कि राजीव को चाचा ने गोली मारी है। इंतजार कर रहा था। अच्छा देखो मैं तुम्हें आज कुछ बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहते हो? देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि तुम जानती हो। हाँ, और कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम बिल्कुल नहीं जानती हो। कौन सी बात मैं नहीं जानती हूँ? ऐसा है, तुम्हारे शादी के पहले मैंने तुम्हारे ससुर को यानी मैंने अपने भाई को मेरे मुझे क्या? हाँ हाँ किसे किसने चूहा खेल रहा था उसने मेरे घर का एक चाट मारा था और वो घर का चाटा मुझे चाट मैं अपने बेटे का सह नहीं कर सका। मैंने उसने अपने उस भाई संध्या बनवाने उसे गोली मार दिया। मेरी जेल हो गई, जेल से वापस आया, भाभी बैठे थी। मैंने उससे कहा कि परिवार को चलाने के लिए मैं सोचता हूँ कि हम और आप आई लव यू कर ले, मतलब प्रेम कर ले, प्यार कर ले। उसने मेरी बात फिर बात कर दिया, मैंने उन्हें तो गोली मार दिया, समाप्त कर दिया। और ये तो अच्छी तरह से देख रही हो कि मैंने चुका तो क्या हो रहा है। यार तुम्हें प्रेम करते हुए उसने देखा कि मैं अपने भाई से बता दू, मैंने उसे भी समाप्त कर दिया। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि नाती को क्यों मारा। तुमने कहा कि बच्चे को जान से मार दो, मैंने उस बच्चे को समाप्त कर दिया। रास्ते का कोई भी खाता नहीं है।
लड़ा रहे हैं। इस गद्दार को ऐसे मत मारो, इसने मेरे पास मारा है, हमारा पूरा परिवार बर्बाद किया है। मत खटाया मत कर बापू ब्याज का कार्यक्रम नहीं किया। खातिर हमारे नासिम बेटे को मार डाला, पब्लिक पागल हो गई सारे पुत्र। गलती हो गई है तो मां बाप बच्चे की हैसियत समझ कर आपका
चिकित्सा कर दे, ज्यादा बोलने का भी नहीं हुआ कि जय हिंद जय भारत। कहाँ आप कहाँ जाओगे सर? रमेश कुमार सफल थाने को पकड़ जाने है। पूरा खानदान निकाल के चले, तेरा पत्थर लेकर ले जा, लेकर रहती हराम खान। खाएंगे सर भी एक तरह चाहिए, कहाँ गई रहो बतावा। आराम करो, सबसे पहले चेहरे पर खोल, ये चेहरा तो मुंडी है रे सब राजा। अच्छा, इसका समय में नंदलाल भैया शर्मा की है गाड़ी तो चलो ठीक है, जिठाऊ मुना खोल रमेश कुमार इनका मुंह खोला नहीं, मैं इनका पैसा दिए खुलवा दे। बोल तो ये साथ में चहुल को पकड़िए पटूरिए भैया, अरे खाए खाए कटरिए मोदान यहाँ नहीं नंदलाल भैया की वो ग्राम वो भैया की कहावत कहे हैं कि सार सुगर हर जाई, सार सुगर हर जाई जितना ही घूमा उतना ही ज्यादा ही आन लेते मुन्ना मगर ऐसे सब बहुत कलाकार आ रहे थे ऐसे पहले ना खुल बोला जगह ये हमारे माननीय श्री पवन कुमार इलाहाबादी यूट्यूब चैनल वाले जो कि इन्होंने हमारी तमाम संगीतें यूट्यूब इंटरनेट के जरिए पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में फैलाए गए। साथियों हमारी जिन संगीतों को आपको देखना है तो अपना पूरे परिवार से धन्यवाद करती है, बहुत 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 धन्यवाद करते हैं मेहनत किया है हमारे संगीत को आगे बढ़ाने में। आज तमाम जनता से गलती मान लो, कैसी गलती नहीं करेंगे।
छे भैया हरे, काका दादा हरे, बुढ़ऊ हरे, ननकवा हरे, तेवरऊ हरे। देखा बाहर तक का गलती माफ कर दी ना, अपने अपने घर जाते हैं। गलती अपने बारे में करब, माई बहनी और तुम सबसे कहा यही, जब हम गलती करे ही ओपर सजा तो हमका मुस्लिम चाहिए। देखियो मैं सब हमार नकल कहके आपन आपन नकल दिन बढ़ाओ, माई अगर तू सबका करी जागू तो ऐसा विद्रोह छिड़की है और माटी छुआई भी भर भरा पर देखा तो हर का होगा तो तुम्हारे बारे में सब हर आज जागी होते नसीहत देने वाले में हमारे घर में का यही ग्रंथ होता है। हम कलाकारों से नहीं, रात भर में कोई भी गलतियां गाने बजाने में या संगीत में या ड्रामा बोलने में कोई भी छुटिया हुए तो क्षमा चाहते हैं। साथ ही इस पार्टी के माजी कमरे दुर्गेश पांडे जी हैं, जिनका पता है रानीगंज रानीगंज गाँव करियापुर जनपद प्रतापगढ़। एक बात थोड़ा बताइए।